स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय पिंक पैटल चौक पर नए हॉस्टल निर्माण, सभी छात्रों को हॉस्टल सुविधा देने व अन्य विभिन्न छात्र मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई ने विश्वविद्यालय में छात्रों को तमाम सुविधाएं न देने को प्रशासन की नाकामी बताया है। विश्वविद्यालय के आई सचिव संतोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में लगभग 8000 के आसपास छात्र पढ़ाई करता है, उनमें से मात्र एक चौथाई छात्रों को ही हॉस्टल प्रदान होते हैं, जबकि प्रोस्पेक्टस कुछ और ही कहता है। जी, मैं ये मानता हूँ कि आज जो एसएफआई धरना प्रदर्शन कर रही है, ये हमारी मांगे नहीं है, ये इस विश्वविद्यालय की सुविधाएं हैं जो विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए होनी चाहिए थी, और उन सुविधाओं को जो ना देना है वो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी नाकामी आज के समय के अंदर। हम मांग कर रहे हैं पिछले लंबे समय से कि आज विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है, विश्वविद्यालय में लगभग जो है 8000 के आसपास स्टूडेंट रहता है, उसमें से सिर्फ 1/4 स्टूडेंट्स को आज हॉस्टल मिल रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस जब हम देखते हैं, उस प्रोस्पेक्टस में सीधे तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को हम जो है हॉस्टल देंगे, लेकिन हॉस्टल जो है आज सिर्फ एक, मतलब 1/4 जो है, एक चौथाई हिस्सा आप जो है छात्रों का वो है जो हॉस्टलों के अंदर रह रहा है। और आज हम वो जो छात्र हैं जो 1/4 है वो हॉस्टलों की सुविधा ले पा रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद जो छात्र है वो संगठी के अंदर जो है उन रूमों के अंदर सड़ रहा है, जिन रूमों की जो है लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर सीलन हर एक रूम के अंदर है, किराया बहुत ज़्यादा वहाँ का है, उन रूमों के अंदर जो है ज़बरदस्ती आज जो है स्टूडेंट को मजबूरन रहना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ एक बात ये कि आज विश्वविद्यालय का जो छात्र है उसको जो है इलीगल एंट्रीज के नाम पर आज जो है हॉस्टलों के अंदर जाने से रोका जा रहा है। हमारा मानना यह है एसएफआई का, इस विश्वविद्यालय के अंदर जितना भी छात्र है जो विश्वविद्यालय के अंदर अपनी एडमिशन लिए हैं, जो इस विश्वविद्यालय के अंदर अनरोल है, वो जो है विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, उस नाकामियों को छुपाने के चलते आज जो है विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र है वो संगठियों के अंदर सड़ रहा है। आज जो संगठी रहने लायक जगह नहीं बची है, वहां पर भी छात्रों का जो हरासमेंट होती है, उसी तरह से आज सिक्योरिटी के नाम पर जो है विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर भी सिक्योरिटी के नाम पर जो है हरासमेंट की जा रही है। पिछले लंबे समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि 1970 के बाद, जब से यूनिवर्सिटी बनी है, उसके बाद 2018 तक जब तक जो है इलीगल एंट्रीज को यहाँ पर जो है बैन किया है, तब तक जो है क्या स्टूडेंट जो है इस विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर नहीं जाते थे? हर एक स्टूडेंट जो है विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर रहता था, एक रूम के अंदर साथ साथ जो है स्टूडेंट रहता था, इसलिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानता था कि हमारी नाकामी है, हम विश्वविद्यालय के छात्रों को हॉस्टल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 2018 के बाद जब इलीगल एंट्रीज को बैन कर दिया गया, हम ये मानते हैं वो इलीगल एंट्रीज है ही नहीं, क्योंकि वो छात्र जो आज विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, वो वही छात्र है जिसकी एडमिशन इस विश्वविद्यालय के अंदर है, और विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उस छात्र को हॉस्टल देने में नाकाम है। इस विश्वविद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है, डगमगा चुकी है। उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सुध लेनी पड़ेगी, प्रदेश सरकार को सुध लेनी पड़ेगी, और जब तक ये डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होती और जब तक इन डिमांड्स को लेकर जो है प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, तब तक एसएफआई निरंतर इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है इस मूवमेंट को बड़ा करेगी, और हो सके तो इस प्रदेश के अंदर इस मूवमेंट को तैयार करेगी, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर हम जो इस मूवमेंट को जीत सके, और जल्द से जल्द जो है जो ईआरपी सिस्टम है उसको यहाँ से निकाला जाए, या फिर जो उसके अंदर जल्द से जल्द जो सुधार किया जाए।